धार में सुप्रसिद्ध लेखिका शेफाली वैद्य ने भोजशाला का अवलोकन कर उनके रखरखाव पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद फाइबर ग्लास के नवीनीकरण का कार्य प्रारंभ करवाया है। बताया जा रहा है कि लकड़ी की फ्रेम में फाइबर ग्लास लगाकर विभिन्न हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्हों को सुरक्षित रखने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसमें अनब्रेकेबल एवं पारदर्शी कांच लगाकर प्रतीक चिन्हों का स्पष्ट नजर आने को लेकर कार्य किया जा रहा है। लेखिका ने पुरातात्विक महत्व की भोजशाला में स्थित स्तंभों पर अंकित देवी यंत्रों को धुंधले फाइबर ग्लास लगाने, हिंदू देवी देवताओं के चिन्हों की सुरक्षा को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उनकी इस नाराजगी की बात ASI के दिल्ली कार्यालय तक पहुंच गई और इसके बाद पुरातत्व विभाग के अधिकारी भोजशाला पहुंचे थे। बता दें कि भोजशाला में मौजूद 11 हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्हों पर फाइबर ग्लास का नवीनीकरण का कार्य शुरू किया गया है। वर्षों पूर्व यहां के स्तंभों पर हिंदू प्रतीक चिन्हों को नष्ट हो जाने से बचाने के लिए फाइबर ग्लास से कवर किया गया था। विभाग द्वारा समय समय पर उचित रखरखाव न होने के कारण ग्लास खराब हो गए थे और प्रतीक चिन्ह स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे थे और भोज उत्सव समिति सहित हिंदू संगठनों से जुड़े लोग इस उदासीनता पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते थे। लंबे समय से उनकी इस नाराजगी और मांग पर विभाग द्वारा सुरक्षा के लिए नवीनीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।